लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। जनपद महाराजगंज से बड़ी खबर प्रकाश में आई है, जहां एक रजिस्ट्रेड अधिकारी का रुपए लेते समय का वीडियो क्रमशः 36 सेकंड व 26 सेकंड का सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जैसे जैसे यह वीडियो सोशल साइटों की अलग अलग प्लेटफार्मों पर वायरल हो रहा है, वैसे वैसे सरकार और सिस्टम की साख आम लोगों के बीच गिरता जा रहा है और विश्वास समाप्त होता जा रहा है। वीडियो किसी कर्मचारी द्वारा बनाकर संबंधित अधिकारियों सहित सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे का मकसद भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी का पोल खोलकर बेनकाब करना है, जिससे उसके कनिष्ठ कर्मचारी व आमजन बेहद आहत थे। आला अफसरों से शिकायत पर कोई विशेष अमल नहीं हो पा रहा था, तो वहीं इस अधिकारी का शोषण बर्दाश्त से बाहर हो गया था, इसलिए अपने ही अफसर का वीडियो कर्मचारियों को बनाकर वायरल करना पड़ा है। फिलहाल सच क्या है, यह सब जांच के विषय की बात है, पर जिस तरह यह अफसर सफेद शर्ट और कंधे पर सफेद रुमाल के साथ आंख पर पारदर्शी चश्मा काले फ्रेम में लगा रखा है, उसके इस ठाट बाट के बाद भी उसका जेहन उसके चश्मे के शीशे की तरह पारदर्शी न होकर चश्मे की फ्रेम की तरह बिल्कुल काला है। अफसर की उस कुर्सी को शर्मसार कर रहा है जिस पर यह अफसर बैठ अधिकारी का खौफ और रौब बना 500 रुपए तक का घूस लेता दिख रहा है, जिसने यह बता दिया है कि उसके पद की कीमत 500, उसकी कुर्सी की कीमत 500, उसके ईमान की कीमत 500, उसके पिता के सपनों की कीमत 500, उसके पढ़ाई लिखाई की कीमत 500। जी हाँ, महज 500। कलयुग के इस दौर में आप सोचते होंगे क्या मिलता होगा 500 रुपए में, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। 500 रुपए में भाई साहब एक अफसर का ईमान मिलता है, बिक रहा है और खरीदार खरीद रहे हैं, तो आप मत सोचिए कि 500 रुपए में क्या होता है। जब यह बात जहन में आ जाए तो भाई साहब आप इस लू 16 में झट सफेद कुर्ते में बैठे अफसर के ईमान को इसके कारतूत के पैमाने पर तोल लीजिएगा और बिल्कुल चुप हो जाइएगा, क्योंकि 500 रुपए में इतने बड़े बड़े साहब बिकते हैं और बिकता है इनका ईमान। इस अफसर की इस ओछी हरकत को देख 70 के दशक की फिल्म काला बाजार का वह संगीत गुनगुना लीजिएगा, जिसे बड़े ही निराले अंदाज में कादर खान वह जानी लीवर साहब की जोड़ी ने गाया था। नहीं याद है तो सुन लीजिए और याद कर लीजिए। इस दौर के इन अफसरों के हरकतों को अभी इस लोसुलहमे से जान पहचान हो जाए। नाम नरेश चंद, मतलब समझे कि नहीं, नरेश मतलब समझ लीजिएगा, तहसीलदार मजिस्ट्रेट फरिंदा जनपद महाराजगंज, और ईमान की कीमत महज 500। धत तेरी, यह तो बहुत बदनामी है। थाने के चौकीदार साहब भी शर्मा गए, सिपाहियों ने तो चुटकियां ले लिया, इतने कम रुपए तो हम नहीं लेते हैं, यह तो बड़े ईमानदार निकले, 500 नहीं निकल पाए, हाय तौबा हो गया है ना कमाल। अब पूरा माजरा सुन लीजिए फरिंदा वाले तहसीलदार साहब का। एक कनिष्ठ कर्मचारी जिसने भयभीत होकर हिम्मत कर वीडियो तो बना लिया, पर नाम छुपाए जाने की शर्त पर बता दिया कि उसे छुट्टी चाहिए था, निवेदन किया पर कोरोना काल है तो मिल नहीं रहा था, पत्रावली पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे, परेशान था, हो भी क्यों ना, कोरोना काल में एक्स्ट्रा काम और तनख्वाह भी कम। उसके बाद साहब की नानुकुर और लाल फीताशाही ने परेशान कर रखा था, जुगाड़ बनाया तो बात 500 रुपए में बन गया, पर यहाँ कम कौन था, उसने भी ईमान का 500 रुपए अवैध रूप से देने को तैयार तो हुआ, पर साहब की हेकड़ी की हवा निकालने का प्रबंध कर लिया, रुपए दिया और छुपे कैमरे से साहब के ईमानदारी का नकाब निचोड़ लिया और अफसरों को वीडियो भेजकर बेनकाब कर दिया। अफसर अभी वीडियो देख कुछ सोचते
तभी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। जैसे ही सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ, जिले भर में हाय तौबा मच गया। विभाग की बदनामी होने लगी, पत्रकारों के चुटिले शब्द नुकीले सवाल बन अधिकारियों को चूहने लगे और कार्रवाई की मांग करने लगे। इस बाबत हमने भी SDM साहब के पाले में कुछ सवाल छोड़ दिए, जिस पर SDM साहब ने वीडियो की जाँच तत्पश्चात कार्रवाई कर अवगत कराने की बात कही। जरूरी भी है, जनता नहीं जानेगी तो जनपद के अधिकारियों के ईमान पर भरोसा कैसे करेगी, तो होना चाहिए। यूपी के जनपद महाराजगंज से सैटेलाइट न्यूज टीम की रिपोर्ट।